साथियों नमस्कार। दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में मैं कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ साथियों। आज है क्वाड्रेटिक फॉर्म और डायगोनलाइजेबिलिटी। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमेशा ही इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो मैं मेरी कोशिश है कि साथियों शॉर्ट रिजल्ट्स के साथ जो पॉसिबल कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं साथियों वो मैं बताऊँ। तो बिना टाइम गवाए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप एक एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से साथियों आप समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर फील करेंगे साथियों आप इस चीज़ को करने के बाद। तो आराम से समझते जाएं साथियों। देखिए क्या है कि टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक। क्या बोल रहा है साथियों कि क्वाड्रेटिक फॉर्म, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होता है साथियों वो हमारा इक्विवेलेंट होगा, कब होगा, जब उसके रैंक भी सेम हो साथियों और दे हैव द सेम सिग्नेचर, ठीक है ना। तो साथियों रैंक क्या होता है, तो रैंक इज बेसिकली नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ठीक है, कि आपके पास कितने नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है वो हमारा रैंक कहलाता है। और सिग्नेचर क्या होता है, तो साथियों सिग्नेचर के लिए फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ऐसी कुछ टू पी माइनस आर, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। पी क्या है साथियों, पॉजिटिव इंडेक्स, सो नंबर ऑफ इंडेक्स भी आप कह सकते हैं, या इंडेक्स ये क्या होता है साथियों, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, ये हमारा हो गया पी साथियों। और आर क्या है, रैंक, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज, कैसा आइगन वैल्यूज, नॉन जीरो। तो साथियों नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज इज एग्जैक्टली द रैंक, ठीक है ना। और साथियों सिग्नेचर क्या है, एस इक्वल्स टू टू पी माइनस आर, तो ये आपको पता लग गया कि पॉजिटिव इंडेक्स वाला नंबर ऑफ पॉजिटिव जितना भी हमारे पास आइगन वैल्यूज होगा उसका टू टाइम करके माइनस रैंक कर देंगे तो हमारा सिग्नेचर आ जाएगा। और सिग्नेचर बेसिकली ये बताएगा कि साथियों हमारा जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है, किस टाइप का बिहेवियर जो इस तरह से रखता है साथियों, तो उस पर चलिए ये आपको समझ में आ गया कि साथियों आपको क्या करना है। बेसिकली ये याद रखना है कि दो क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनके क्या फॉर्म साथियों सिमिलर होंगे, रैंक सिमिलर होगा साथियों और सिग्नेचर सिमिलर होगा, तभी जाके ऐसा हो सकता है, अदरवाइज किसी भी केस स्टडी में कभी नहीं हो सकता। और आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं साथियों, एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, है ना, इस टाइप से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म को लिखते हैं। तो इतना मैं डेप्थ टच में नहीं लेके जा रहा हूँ। ये क्या होता है साथियों, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है साथियों। चलिए देखिए ये मैंने आपको एक एक टर्म्स लाया हूँ कि आर जो हमारा रैंक होगा साथियों वो क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, पी हमारा इंडेक्स कहलाता है साथियों, ये होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, एस साथियों हमारा सिग्नेचर कहलाता है, और ये फॉर्मूला लगता है एस इक्वल्स टू पी माइनस आर। पी क्या है, ये साथियों हमारा इंडेक्स, और आर है हमारा रैंक, ठीक है ना। अब देखिए साथियों कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म जो लिखा रहता है तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, लाइक ये दो वेरिएबल में है, ए वन वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन टू एक्स वन एक्स टू ए टू वन एक्स टू एक्स वन प्लस ए वन टू टू, है ना, एक्स टू स्क्वायर। इसमें साथियों ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं साथियों, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, लाइक एक्स वन एक्स टू ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको लिखेंगे साथियों, और ये एक्स वन और एक्स टू ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो हम लोग अभी साथियों फाइनल टच दे रहे हैं कि पेपर में हम लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यू मस्ट मेमोराइज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और साथियों इसमें दो टर्म्स आपको जरूर याद रखना है कि साथियों अगर हमारा फील्ड रियल होगा तो रियल सिमेट्रिक कहलाएगा, अगर हमारा फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म या रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, अकॉर्डिंग टू द आप कह सकते हैं। तो ये साथियों जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, इसको हमने ऐसे लिखा है। एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये जो साथियों ये वाला जो लिखा हुआ है ए वन टू, ये सब हम कॉफिशियंट लिख रहे हैं, ठीक है ना, कॉफिशियंट, तो ये कॉफिशियंट लिखा जा रहा है। एक साथियों में एक अलग तरीका भी यहाँ पे बताऊंगा, अगर सिंगल रहेगा तो, दोनों अगर सिमेट्रिक एक्स वन एक्स टू और एक्स टू एक्स वन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सेवंथ नंबर पे आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा साथियों डायगोनलाइजेबल होता है, क्या होता है, डायगोनलाइजेबल, एक वर्ड लिख देता हूँ साथियों, रियल सिमेट्रिक, ठीक है ना, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, लेकिन कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट टू ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कुछ और भी हो सकता है साथियों। जैसे देखिए ये हमारे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक हमारा क्वेश्चन दिया है कि फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या रखेंगे साथियों, एक्स वन का जो कोफिशिएंट है फाइव रख देंगे, अब एक्स वन एक्स टू ही दिया हुआ है, तो साथियों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा हम सावधानी से काम करेंगे, कैन आई राइट फाइव एक्स एक्स वन स्क्वायर, साथ ही इसको हम लिख सकते हैं फाइव एक्स वन एक्स टू माइनस फाइव एक्स टू
एक्स वन प्लस वन इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। तो x1 का कोफिशियंट 5 तो ये हो गया साथियों, x1 x2 का कोफिशियंट माइनस 5 तो यहाँ आ गया, x2 x1 का कोफिशियंट माइनस 5 तो ये रह गया, और x2 का कोफिशियंट साथ x2 स्क्वायर का कोफिशियंट साथियों 1 तो यहाँ रह गया। ठीक है, इज दिस अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यस सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना साथियों, तो है ना। तो इसको हम लोगों ने ऐसे कन्वर्ट किया है। साथियों इसका जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल एज इट इज ऐसा नहीं आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पोंड, ऐसा नहीं रहेगा। आपको ये पूछा जाएगा कि साथियों जो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है। ठीक है, तो यहाँ से साथियों जो सी एस आई नेट का जो लेवल है यहाँ से आपको स्टार्ट होता है। और ये जो मैंने पहला टर्म्स बताया कि साथियों टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर, तो इसमें साथियों नेट पे यानी सीएसआईआर नेट में साथियों एक तो 17 में भी क्वेश्चन आ रखा है, 18 में भी, 19 में भी और 22 में भी क्वेश्चन आ रखा है। तो ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो मेरी कोशिश है कि पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन का सीरीज करते हैं। साथियों ये मैंने हेडिंग लिया है डेफिनेटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये क्या है डेफिनेटनेस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको हम लोग समझते हैं साथियों कि मान लिया जाए कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म इस टाइप का लिखा हुआ है ना, तो आपको पता है कि स्क्वायर जो है तो हमेशा या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन साथियों अगर जीरो तभी होगा जब इंडिविजुअली एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो। तो साथियों यहाँ पे ये वर्ड याद रखिएगा, फॉर ऑल एक्स वाई नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो उसका नाम होगा पॉजिटिव डेफिनेट। इस टाइप का साथियों रहेगा तो फॉर ऑल एक्स वाई नॉन जीरो साथियों ये इसका वैल्यू हमेशा जीरो है ना, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो रहेगा, जिसको बोलेंगे नेगेटिव डेफिनेट। ये साथियों ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो सकता है, नॉन जीरो जब भी रखेंगे साथियों तो इसमें तो कोई बुरा साथियों, एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स और वाई अगर डिस्टिंक्ट है तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा है ना, और साथियों एक्स और वाई सिमिलर हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो सकता है। तो यही इस टाइप का रहेगा तो साथियों उसको बोलेंगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। जब जीरो इंक्लूड हो जाएगा ऐसा और ऐसा दोनों इंक्लूड हो जाएगा दिस और दिस, तो हमारा नाम हो जाता है सेमी, तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट साथियों। इस टाइप का जब भी रहेगा लेस और इक्वल टू, तो इसमें हमारा वर्ड आएगा लेस के लिए साथियों नेगेटिव और इसके लिए सेमी है ना, तो ये वर्ड आ जाएगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और साथियों अगर जो दोनों टाइप का बिहेवियर रखे, ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो भी बिहेवियर रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे साथियों? इनडेफिनिट मैट्रिक्स। और हमेशा ही क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है कि साथियों आपको हमेशा ही पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, या पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है या नेगेटिव सेमी डेफिनिट है, हमेशा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। पहले इसके बारीकियों को समझते हैं साथियों। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसे एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हमको चेक करना है कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो साथियों सपोज मान लीजिए कि हमने एक्स की जगह 3 रख लिया हुआ है ना, और वाई की जगह पे 1 रख लिया और चेक किया तो ये ग्रेटर देन 0 आया। इसमें दूसरा हमने वैल्यू लिखा 1.3 तो पता चला -8 आया, दैट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो ये साथियों दोनों बिहेवियर रख रहा है, ग्रेटर देन 0 भी और लेस देन 0, इसका मतलब हुआ ये कैसा है इनडेफिनिट, मतलब इस फॉर्मेट का चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है ना, तो ये साथियों हमारा आया इनडेफिनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप लोगों को चीजों को देखना है। और एक हम लोग साथियों एक ऐसा रिजल्ट लर्न करेंगे जो इस सब चीज को बहुत ही ज्यादा इजी बना देगा। और साथियों ये मैं जितना भी पॉइंट्स बता रहा हूं ये सिर्फ पॉइंट सिर्फ किसके लिए है कि आप लोग पेपर में कैसे जितने जल्दी से जल्दी टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखें और फटाक से निकाल दें। तो यही मेरा साथियों ये मकसद है कि हम इस टाइप से आपको कुछ बताएं। चलिए और भी मैं अलग मेथड पे आता हूं। देखिए साथियों क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसा लिखा जाएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म रियल और कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू द, साथियों अगर हमारा फील्ड जो है वो रियल रहेगा तो रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगा, और फील्ड साथियों हमारा अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाएगा। और बेसिकली ये लिखा कैसे जाता है तो आपको पता है कि एक्स वन है ना, जैसे हमारा है कि एक्स स्क्वायर का साथियों कोफिशियंट रखेंगे है ना, फिर एक्स वाई का कोफिशियंट यहाँ पे रखेंगे, वाई एक्स का कोफिशियंट रखेंगे साथियों, और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट, ये लाइक 2x2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, कोफिशियंट के साथ ये जितना भी डॉट है सब साथियों क्या है, इसका कोफिशियंट है एक्स वाई या है ना इस टाइप का। तो मुझे उम्मीद है कि इतना बिल्कुल बेसिक्स अभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसा रहेगा साथियों, ये मस्ट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये साथियों कंडीशन से देख लीजिए कि पॉजिटिव डेफिनेट तब होगा जब क्यू एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इज नॉन जीरो द मेंबर ऑफ आर एन। आर एन का मतलब क्या है? एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट आर एन टपल का रहेगा तो
पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में ये याद रखिएगा ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, नेगेटिव डेफिनेट में लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, नेगेटिव सेमी डेफिनेट में लेस इक्वल्स टू जीरो, इनडेफिनेट में ग्रेटर देन जीरो फॉर सम एक्स एंड फॉर सम साथियों एक्स, ये ग्रेटर और लेस दोनों तरह का बिहेवियर रख सकता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड जरूर याद रखिएगा, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा है लेकिन शायद पूछे, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो हो साथियों तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और क्यू इज लेस देन जीरो पे साथियों इसका ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। चलिए इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं साथियों, इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसको मैंने एक क्वेश्चन आगे लेके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये बात साथियों है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल माइनर। आप लोग साथियों पॉजिटिव डेफिनेट नेगेटिव डेफिनेट अलग अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एक मेथड है हमारे पास प्रिंसिपल माइनर। साथियों देखिए, पहला अगर हमारा प्रिंसिपल माइनर डी वन ग्रेटर देन जीरो है, डी टू साथ मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, और साथियों दूसरा जो प्रिंसिपल माइनर है डी टू, अगर उसका भी डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इस तरह से सभी का अगर साथियों डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेफिनेट। क्या बोलेंगे साथियों? पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये मैंने सबका लिख दिया है कि ऑल शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इफ एंड ओनली इफ, है ना, पॉजिटिव डेफिनेट होगा तो ये सारा कंडीशन होल्ड करेगा और ये होगा तो ये भी कंडीशन होल्ड करेगा, है ना, और वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द फेल टू हैव अ पॉजिटिव, डज मीन्स व्हाट, दे नेवर फॉर्म अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। और साथियों अगर इस टाइप का रहेगा कि मान लीजिए पहला लेस देन से स्टार्ट हो रहा है, फिर प्लस है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ऑल्टरनेट हो स्टार्टिंग विद नेगेटिव और ऑल्टरनेट होगा साइन, तो साथियों ये नेगेटिव डेफिनेट कहलाएगा। साथियों रह जाता है बहुत सारा भी चीज, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ठीक है ना, तो क्या उसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं या नेगेटिव इनडेफिनेट को कर सकते हैं? तो साथियों इसके बिहेवियर से नहीं कर सकते, एक अलग मेथड बता रहा हूं जो इस सब चीज को और भी इजी करने वाला है। साथियों ये जो मेथड है, मेथड नंबर, आप जो भी आप मेथड नंबर थर्ड कह लें, ये साथियों आपको पेपर में याद रखना है अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो साथियों अगर आपको जो भी जिस भी टॉपिक की जरूरत हो, जहां पे भी लगे कि सर यहाँ पे मैं वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, तो डेफिनेटली साथियों शेयर करें, कमेंट करके अपना जरूर वो राय रखें। जो मेरे को इजी लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि ये चीज अभी बताना चाहिए, पेपर का टाइम है, तो वो मैं करवा रहा हूं, ठीक है, कि ज्यादा मतलब टाइम वो ना जाए। साथियों डेफिनेटनेस एंड आइगन वैल्यूज के थ्रू हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कि आइगन वैल्यूज के थ्रू हम लोग कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म का बिहेवियर कैसा है? तो साथियों ये देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो भी हमारा एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या हमारे साथ हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा साथियों। तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे, एक चीज जरूर याद रखिए कि साथियों रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज भी रियल होता है ना। तो एक चीज जो मेनली आपको याद रखना है इसके टर्म में, वो याद रखना है कि आइगन वैल्यूज जब आप निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज का बिहेवियर क्या रहेगा, मतलब किस तरह से रखता है। देखिए इफ एन ओनली इफ, सब में इफ एन ओनली इफ लिखा हुआ है, इसलिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ, ठीक है, आंख मूंद के भी आप पेपर में लगा सकते हैं क्योंकि इफ एन ओनली इफ कंडीशन है। साथियों अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज अगर ग्रेटर देन जीरो होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साथियों हमेशा ही क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट रहेगा। साथियों अगर सारे के सारे आइगन वैल्यूज लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो इसका नाम रहेगा नेगेटिव डेफिनेट। तो ये इजी है, ठीक है, यही है कि आपको आइगन वैल्यूज निकालना आना चाहिए जितना जल्दी आप कर पाते हैं, ठीक है। और साथियों अगर इस तरह के सब बिहेवियर रखेगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सारे पॉजिटिव हो या साथियों कुछ पॉजिटिव हो और कुछ जीरो भी हो आइगन वैल्यूज, तो उसका नाम होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, कुछ साथियों जीरो है तो सेमी वर्ड लग जाएगा, तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। साथियों कुछ आइगन वैल्यूज क्या हो, लेस देन जीरो हो और कुछ इक्वल्स टू जीरो हो, कुछ जीरो हो कुछ लेस देन जीरो हो, तो उसके टर्म में साथियों नेगेटिव के टर्म में नेगेटिव सेमी डेफिनेट कहलाएगा। तो ये इजी है याद रखना। और साथियों कुछ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हो और कुछ आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो, तो उसके टर्म में हम लोग बोलेंगे कि इनडेफिनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा साथियों? इनडेफिनिट, है ना, तो ये इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारा कहलाएगा। तो साथियों इसको याद रखना, इस रिजल्ट को याद रखना, इजी है आपके लिए कि ठीक है ना, सारे के सारे आइगन वैल्यूज, ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, देन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट, ऑल आइगन वैल्यूज नेगेटिव, नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ऑल आइगन वैल्यूज बट सम आर जीरोज, है ना, ऑल आइगन वैल्यू मतलब आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एज वेल एज जीरो, देन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। साथियों ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो विद नेगेटिव, तो हमारा नेगेटिव सेमी डेफिनेट कहलाएगा। और साथ में ऑल्टरनेट साइन रखेगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होगा, तो इनडेफिनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये इजी है आपको वो करना। साथियों ये नहीं बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, चेंज ऑफ वेरिएबल वाला कोई बड़ा चीज मैंने नहीं बताया है, ये वाला चीज। तो साथियों ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म को, मैंने बताया कि साथियों क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना।
तो साथियों पहला जो हमने रिजल्ट पढ़ा कि क्वाड्रेटिक टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म साथियों हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए साथियों, उसके पास कैसा बिहेवियर रखना चाहिए कि साथियों उसका जो बिहेवियर होगा उसका उसके पास सेम रैंक होगा और क्या होगा साथियों सेम सिग्नेचर रखेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जिससे क्लैरिटी आपके पास आ जाएगा, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा साथियों। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आया था दिसंबर सीएसआर नेट दिसंबर 2018 में, उसने पूछा था पार्ट सी का क्वेश्चन है साथियों, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये दिया हुआ है साथियों और ये तीन क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है और आर स्क्वायर मतलब एक्स वाई का वेरिएबल है। कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कहता है कि Q1 Q2 आर इक्विवेलेंट, Q1 Q3 आर इक्विवेलेंट, Q3 Q2 आर इक्विवेलेंट या चौथा था ऑप्शन ऑल आर इक्विवेलेंट। तो मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, ज्यादा कोई कुछ प्रॉब्लम है नहीं साथियों। एक्स वाई को एक्स वाई है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 × x² प्लस हाफ टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस हाफ टाइम ऑफ वाई एक्स, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर सिमिलर, दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा इंटू 0 × y², इसको साथियों आप बना दें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे साथियों। ये जो आपका ए मैट्रिक्स बना आपको दिख रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और साथ ही उसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, ठीक है ना, 1/4 आएगा, -1/4 दैट इज नॉन जीरो। सो रैंक इसका क्या आ गया साथियों 2 आ गया, है ना, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो जिसका ऑर्डर है हमारे पास वही हम इसका रैंक बन गया 2 बन गया, या दो नॉन जीरो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज है तो डायरेक्ट बोल दीजिए 2 हमारा रैंक आया। सेकंड साथियों Q2 लीजिएगा तो इस तरह मैंने बनाया और ये क्या है, ये साथियों रैंक 1 का मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है कि इस पर डिपेंड है ना, R2 डिपेंड्स ऑन R1, सो साथियों इसका रैंक 1 है तो आपको दिख रहा है कि बोथ हैं, दोनों का रैंक ही सेम नहीं है तो हमारा है ना इक्विवेलेंट कैसे हो सकता है जो हमने पहला कंडीशंस पढ़ा है। तो साथियों ये Q1 और Q2 का भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। Q3 साथियों ये हमको दिया हुआ x² + 3xy + 2x² साथियों इसको मैंने ऐसे लिख दिया है x² + 3/2xy + 3/2yx + 2y², है ना, ऐड करेंगे तो 3 ही मिलना है, इससे थोड़ा एक क्लैरिटी आ जाएगा। Q1 यहाँ पे रख दें, 3/2 ये है साथियों और yx का कोफिशिएंट 3/2 ये आ गया, ये 2 यहाँ पे साथियों। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1/4 आएगा दैट इज नॉन जीरो, से इसका रैंक कितना हो गया 2। अब देखिए रैंक पहले का रैंक 2 दो और थर्ड का रैंक 2 और फर्स्ट का रैंक 2, तो साथियों ये दोनों इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन ना ये इसके इक्विवेलेंट होगा ना इसके इक्विवेलेंट होगा क्योंकि दोनों का रैंक साथियों डिफरेंट है, ठीक है। तो यही यहां से ये मैंने बताया साथियों, एक दूसरे के टर्म हम लोग समझते हैं। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, Q1 Q2 इक्विवेलेंट है तो नहीं है, 1 और 2 रैंक रखने वाला है नहीं, Q1 Q3 इक्विवेलेंट है हाँ बिल्कुल क्योंकि इसमें Q1 का भी रैंक 2 है साथियों और Q3 का भी रैंक 2 है तो ये हो सकता है। फिर बोलता है कि देखिए कि Q3 और Q2 इक्विवेलेंट तो नहीं हो सकता, दोनों 2-1 वाला है, ऑल आर इक्विवेलेंट तो एक ही बार में बन गया है ना, बिल्कुल बच्चा वाला काम था। तो इस टाइप का क्वेश्चन है साथियों और भी कुछ क्वेश्चंस था, देखिए ये वाला टर्म्स का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए कि टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रैंक, दे हैव सेम सिग्नेचर। और साथ ही कैनोनिकल फॉर्म हम लोग कैसे तैयार करते हैं, अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स जो आता है ए जो हमारा बनता है साथ ही उससे आपको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स आइगन वैल्यूज निकालना है, जो भी आइगन वैल्यूज मिलेगा लाइक λ1 λ2 है तो λ1 x² + λ2 y² ये जो आया साथ ही ये कैनोनिकल फॉर्म, तो इस टाइप से साथ ही हम लोग कैनोनिकल फॉर्म ट्राई करेंगे। जब साथ ही हमारा कैनोनिकल फॉर्म ट्राई हो जाएगा हम लोग बना लेंगे तो सिग्नेचर के लिए ये देखिए ये रूल लगाएंगे लाइक λ1 x² + λ2 y², तो साथ ही लेमडा के पास क्या क्या ये आइगन वैल्यूज के पास क्या क्या साथियों कंडीशंस हो सकता है प्लस हो, दूसरा माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, जीरो माइनस जीरो, ये सब हो सकता है, तो ये इसका सिग्नेचर कहलाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको समझाया कि इस तरह से हम लोग कोफिशिएंट कैसे लिख के क्वाड्रेटिक फॉर्म तैयार करते हैं साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है, आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन आया था साथियों, इसमें बोला था कि 2 times डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव में तो हम लोग कैसे करेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आराम से आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। देखिए इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं आपको करवाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन हमको, ये तो हमने भी बता ही दिया क्या, हाँ साथियों ये तो हो गया क्वेश्चन, कहाँ हम चले गए, ये हो गया साथियों। और देखिए साथियों ये मैंने सिग्नेचर विंगनेचर सब निकाल के बताया, तो आप बोलेंगे तो साथियों मैं आपको PDF भेज दूंगा इसका। और एक क्वेश्चन शॉर्ट थोड़ा सा देख लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन है जून 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, पूछ रहा था कि बताइए कि मैट्रिक्स ऑफ सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव क्यू ऑफ इज 2a, मतलब जो इसका सेकंड टाइम हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वो जो मैट्रिक्स बन के आएगा क्या पहले वाले का 2 times है। सेकंड बोलता द रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज 2, द सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू इज दिस, या क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू 0 फॉर सम नॉन जीरो
वैल्यू वेक्टर एक्स वाई जेड। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है साथियों, जो दिया हुआ है मैट्रिक्स इसको पहले कन्वर्ट करके ऐसे लिख दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिख दिए। अब हम साथियों इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए टू एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, वन एक्स वाई इंटू वन वाई एक्स टाइप करके, माइनस टू वाई जेड को मैंने लिखा माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो इससे हमारा मैट्रिक्स बन गया। साथियों ये जो मैट्रिक्स बना ये आपको दिख रहा है कि है ना क्या है साथियों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर हालत में बनना चाहिए साथियों। यहां से साथियों मैंने क्या करा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाला, यहां से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया वन टू माइनस वन, है ना, दिखी रहा है कि डिफरेंट क्वाड्रेटिक है ना डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा ही सिमेट्रिक होगा, सॉरी डायगनलाइजेबल होगा, ये डायगनलाइजेबल है वो मैं कहाँ चला गया डायगनलाइजिबिलिटी बताने के लिए। साथियों तीन नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आया इसलिए इसका रैंक थ्री है। रैंक कैसे डिसाइड करते हैं, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज एक्जैक्टली द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, है ना, तो थ्री नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है तो इसका रैंक भी साथियों थ्री हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें रैंक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे पूछा रैंक हमको थ्री आया और ये बोलता है रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म इज टू, तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि आपको आया थ्री, तो ये तो पहला ही डिस्कार्ड हो गया। अब जब साथ ही हम लोग सिग्नेचर समझते हैं कि हम लोग सिग्नेचर इसका कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे सिग्नेचर, ठीक है साथियों। आपके पास जो आइगन वैल्यूज आया वन टू माइनस वन आया, इसको आप लोग कैनोनिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लैम्डा वन एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा टू वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा थ्री जेड स्क्वायर। साथियों इसका आइगन वैल्यूज वन, इसका आइगन वैल्यूज टू और इसका आइगन वैल्यूज माइनस, तो क्या साइन है, प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस माइनस। और जबकि आपको पूछ रहा है कि बताइए इसका सिग्नेचर प्लस प्लस जीरो है, तो नहीं हो सकता ना, प्लस प्लस माइनस आ रहा है, आपको आ रहा है प्लस प्लस माइनस और ये पूछ रहा है प्लस प्लस जीरो, तो ये भी गलत है, तो दो ऑप्शन तो आपने ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया। फिर पूछता है द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स वैल्यू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वैल्यूज एक्स वाई जेड, तो आप रख के चेक कर लीजिए किसी नॉन जीरो वैल्यूज पे क्या ये जीरो दे रहा है कि नहीं, है ना, तो यहां से देख लीजिए ये साथ ही हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है और हमने लिखा है टेक नॉन जीरो वेक्टर लाइक जीरो टू जीरो, इस वे में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये साथियों जीरो आया, तो मतलब कुछ ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जहां पे जीरो दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन भी पूछ रहा था कि किसी नॉन जीरो वेक्टर पे क्या इसका वैल्यू जीरो मिल रहा है, तो यस मिल रहा है। चलिए साथियों दो ऑप्शन तो आपको दिख गया है ना कि दो गलत है, एक पहला सही हुआ है। और साथियों सेकंड टाइम जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म पूछ रहा है कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या q इक्वल टू a के इक्वल है कि नहीं, तो साथियों सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है, तो आपको क्या क्या चीज चाहिए साथियों, डबल टाइम क्वाड्रेटिक फॉर्म सब कुछ का निकालिएगा। तो साथियों सब कुछ का निकालने के बाद हमने सब कुछ का वैल्यू निकाल दीजिए, जितना भी डेरिवेटिव बन रहा है साथियों, तो ये थ्री क्रॉस थ्री में सेकंड टाइम डेरिवेटिव में ये आपका मैट्रिक्स बनेगा क्यू एक्स 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 वाई एक्स जेड, है ना, वाई एक्स वाई 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 जेड साथियों, जेड एक्स जेड वाई और जेड, ये क्या है बेसिकली क्यू एक्स, तो आपको पता है साथियों क्यू जो होगा उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्यू एक्स, क्यू एक्स एक्स का मतलब है डेल टू एक्स बट्टे, है ना, डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे कीजिएगा हर एक का। तो साथियों वो मैंने निकाला है, आप भी निकाल के चेक कर सकते हैं, तो ये इतना वैल्यू आई, ये हमने रख दिया, सिमेट्रिक तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट। चलिए ए मैट्रिक्स हमारा ये था, ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था साथियों, और इसमें टू से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये है, क्या ये दोनों सिमिलर है क्यू और टू ए, क्या बोथ आर सिमिलर, नोट साथ यहाँ टू है लेकिन यहाँ पे देखिए ये टू है और ये फोर है, तो क्या वो हो सकता है इसका टू टाइम्स, नहीं टू टाइम करेंगे तो ये मिलेगा, सो बोथ आर नॉट सिमिलर, तो ये क्यू इज डिफरेंट फ्रॉम टू ए, तो क्या हमारा साथियों ऑप्शन एक ही सही हुआ जिसका नाम है एक ही वैल्यू पे जहां पे जीरो आइगन वैल्यू सॉरी नॉन जीरो हम लोग साथियों एलिमेंट ले रहे थे, तो वो क्या दे रहा था साथियों हमारा ये वाला चीज, है ना, पहला भी गलत हो गया ये साथियों, ये भी गलत है सिग्नेचर, ये भी गलत हो गया, ये सही है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू जीरो फॉर सम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज सॉरी नॉन जीरो वेक्टर्स। तो देखिए साथियों इजी इजी क्वेश्चन आता है, इतना टफ नहीं है, यही आपको की है कि अच्छा से आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो साथियों ये मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि ये बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। साथियों एक दो क्वेश्चन और भी मैं आपको करवाता हूँ। चलिए साथियों यहाँ पे कुछ और भी डायगोनलाइजेबल डायगोनलाइजेबिलिटी को हम लोग लर्न करते हैं साथियों, कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है ना, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, एक बात याद रखना है। दूसरा साथियों डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है वो सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स होता है, किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब है कोई मैट्रिक्स ए होगा साथियों, ये क्या है मतलब कोई डायगोनलाइजेबल, ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट पी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, वी कैन राइट पी डी पी इनवर्स, है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा साथियों जिसको आप लोग पी डी पी इनवर्स लिख सकते हैं, और पी क्या होता है जो आइगन वेक्टर निकालेंगे साथियों उसको हम लोग कॉलम बना देंगे, और डी क्या होता है, डी साथियों ये आइगन वैल्यूज को जब आप है ना प्रिंसिपल डायगनल के लोग रखेंगे तो जो डायगनल डायगनल मैट्रिक्स बनेगा वो रखना है।
तो साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमेशा ही डायगनलाइजेबल होगा। पहला देखिए, डायगनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगनलाइजेबल, मोर ओवर एवरी डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स इज सिमिलर टू अ डायगनल मैट्रिक्स, है ना, बाय द डेफिनेशन। तो साथियों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमेशा ही डायगनलाइजेबल होता है। एन साथियों कोई अगर डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनलाइजेबल लिख लीजिए, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो साथियों उसका जितना भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यूज का आएगा उसका सम करेंगे तो एन मिलेगा। ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि एवरी डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। क्या बोल रहा है साथियों, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर रहेगा, ठीक है ना, इसको आइगन वेक्टर या आइगन स्पेस बोल दीजिए, ठीक है। एवरी डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली एन लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। और साथियों एन इज डायगनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज शुड बी, है ना, सिमिलर। साथियों सभी के लिए होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है साथियों, ठीक है ना, VVI है, तो इसको जरूर याद रखना है। साथियों अगर किसी के पास आइगन वैल्यूज ही एग्जिस्ट नहीं करता किसी फील्ड के ऊपर, ठीक है ना, तो याद रखना जिस फील्ड के ऊपर आपको पूछा जा रहा है डायगनलाइजिबिलिटी वो कभी भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात। मान लीजिए आपको पूछा कि बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, है ना, हम लोगों ने ये लर्न कर रखा है, अभी मैं कुछ ट्रिक्स दूंगा कि साथियों कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगनलाइजेबल, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि ये कि हमको साथियों रामबाण मिल गया तो हम लोग बिल्कुल पागल हो जाएं पेपर में, ठीक है ना, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, सर ने बोला था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगनलाइजेबल और हम लोग जाएं तय साथियों जो मन हुआ वो करके आ गए पेपर में कि सर हमको तो दे दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। साथियों ये देख लीजिए कि मान लीजिए ये है और ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो दिख रहा है आपको कि इजी से बन जाएगा, यहाँ ज्यादा कुछ है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ठीक है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा ही क्या होगा साथियों, डायगनलाइजेबल होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी टर्म्स आएगा जहां पे मेरे को समझाना है, बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है, वो भी आने वाला है। तो नॉट आइगन वैल्यूज डज नॉट इम्प्लाइज डायगनलाइजेबल, जैसे मैं ये बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ गया, आपने पढ़ लिया कि सर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होगा तो हमेशा ही डायगनलाइजेबल होगा, आपने बताया था और मैं तो करके आ गया, है ना, इसको साथियों आप लोग पढ़ेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो लैम्डा गिव्स प्लस माइनस आयोटा, है ना। आपको पूछा कि सर बताइए आर पे ये डायगनलाइजेबल है कि सी पे डायगनलाइजेबल है, आपको पूछा आर पे डायगनलाइजेबल, यहाँ पे आपने देखा सर दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज था इसलिए आपने तो बोला था डायगनलाइजेबल है, दोनों पे मार दिए, तो ये बिल्कुल मूर्खता नहीं करना है, आर पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कैसे हो जाएगा, है ना। तो साथियों प्लस माइनस आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो जब फील्ड के ऊपर ही नहीं जा रहा तो डायगनलाइजिबिलिटी की बात कैसे करेगा, तो ये आयोटा और माइनस आयोटा बोथ आर डिस्टिंक्ट एंड गोइंग टू द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इस पे डायगनलाइजेबल है, ठीक है, इसलिए ये बोला गया है कि नॉट हैविंग आइगन वैल्यूज इंप्लाइज नॉट डायगनलाइजेबल ओवर द गिवन फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर पूछा जाएगा। एज डायगनलाइजेबल साथियों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है कि कोई अगर डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है, क्या साथियों डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का चाहे रैंक हो या उस मैट्रिक्स का किसी भी पावर, पावर का आप रैंक निकालेंगे तो सब सिमिलर होगा, ठीक है ना, जितना भी हम लोग करेंगे साथियों ये हमेशा ही सब बराबर होगा। और ये साथियों सीएसआर नेट का एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि ए मैट्रिक्स है जिसमें शायद कुछ इस टाइप का ही है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या था, मान लीजिए साथियों ये है तो ये आपको दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ना, तो इसका मतलब है ये डायगनलाइजेबल है, तो यही पूछा था कि बताइए रैंक ऑफ ए टू द पावर फाइव क्या होगा। अरे कुछ भी करेंगे तब भी तो इसका रैंक तो बराबर ही होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, है ना, कि अगर साथियों ये कब लगा पाए, जब ये डायगनलाइजेबल है, डायगनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसका कितना भी पावर करेंगे सभी का रैंक सिमिलर रहेगा, तो ये लिखा हुआ है साथियों। इसलिए ये जो साथियों 7-8 जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि पेपर में साथियों आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जान बचाएगा, ये जरूर देखिए साथियों। ये लिखने का ये मतलब नहीं है कि हम ऐसा ही लिख के रख दिए हैं, ठीक है ना, इसको चेक करना है आपको कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगनलाइजेबल है तो कहाँ डायगनलाइजेबल है। तो साथियों रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप जब भी काम करेंगे तो इसको आपको हमेशा रियल आइगन वैल्यूज मिलता है, क्या मिलता है, आइगन वैल्यूज जो मिलता है साथियों हमेशा रियल मिलता है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। इसलिए साथियों रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगनलाइजेबल ओवर द फील्ड आर, चूंकि साथियों रियल नंबर जितना भी आइगन वैल्यूज रियल है, रियल इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, सो ऑटोमेटिकली साथियों वो किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डायगनलाइजेबल हो जाता है। इसलिए इस बात को जरूर याद रखिएगा, समझदारी के साथ काम कीजिएगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बहुत ही एप्लीकेशन होता है। साथियों रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आप कुछ नहीं बोल सकते, ये जो मैंने लिखा है हो सकता है नहीं हो सकता है, तो इसमें बहुत सावधानी के साथ चलना है,
ठीक है ना, इसमें बहुत सारा केस हो सकता है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तीन कंडीशंस हो सकता है साथियों, कि ये मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, है ना साथियों। फिर आप नॉन जीरो भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, और ये ले सकते हैं कि इसका जो एंट्रीज है वो रियल से है। एक ये भी लिख सकते हैं साथियों, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उसका जो एंट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर आप चेक कीजिए कि कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सावधानी के साथ जाना है। यह है कि रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में साथियों आप लोग एक बात बोल सकते हैं। देखिए इसका बिहेवियर मैं चाहता था कि थोड़ा सा अच्छा से सब कुछ बताऊं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपको पता है कि क्या है साथियों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, और डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है ए ट्रांसपोज और ए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट भी साथियों हमेशा ही रियल ही रहता है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं ये सब चीज में, ठीक है ना। और एसक्यू सिमेट्रिक ये आपको पता होगा ए आई जे का ट्रांसपोज साथियों ए जे आई। साथ में इतना ये डेप्थ नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता तो था कि बहुत कुछ बताएं। ये देखिए साथियों यहाँ पे मैंने कम से कम रखे तो यहाँ से 40-50 मैंने रिजल्ट लिख रखा है, जो मैं सोचता हूँ कि साथियों अगले लेक्चर जब लेके आऊंगा तो इसमें साथियों सभी मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से बताऊंगा, रैंक क्या होगा उसका, डिटर्मिनेंट ट्रेस, जो भी बिहेवियर होगा डायगोनलाइजेबल कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है साथियों, हर्मिशन, एसक्यू हर्मिशन जितना भी है, ठीक है ना, सभी मैं लेके आऊंगा साथियों, ठीक है। कब हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल डायगोनलाइज, कब बोलते हैं यूनिटरी डायगोनलाइजेबल, कब बोलते हैं, तो साथियों मेरी कोशिश रहेगी कि ये सभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊं। आज साथियों यहीं पे ये रखेंगे। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल ओवर आर, लेकिन दूसरे के बारे में शांत रहना, इस सब के बारे में बिल्कुल लफड़ा है। और हर्मिशन मैट्रिक्स भी साथियों हमेशा ने ये होता है, तो दो को तो याद रख सकते हैं, रियल और हर्मिशन, उसके बाद वाले पे बहुत सावधानी के साथ काम करना है, एसक्यू हर्मिशन। अच्छा एसक्यू हर्मिशन के बाद आप लोगों ने, अच्छा साथियों एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, उसका एक अलग बिहेवियर है कि साथियों उसमें जो आइगन वैल्यू जीरो भी हो सकता है और या फिर प्लस माइनस आयोटा भी होता है ना, जीरो या प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। और एक चीज और भी उसमें अच्छा है कि रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होता है। चलिए साथियों इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, इतना बेसिक बातें याद रखें। ये चीज ये जो मैंने डबल स्टार लगाया है डबल, उसको याद रखिए कि नॉर्मल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है, ये सब चीज याद रखें। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स साथियों ये देखिए, इसका जो आइगन वैल्यूज प्लस माइनस वन ही मिलता है, जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो हमेशा ही क्या होता है साथियों, डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये सब चीज को याद रख सकते हैं, है ना, कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज तो देखते ही हो जाएगा। साथियों ये बात जरूर याद रखना है कि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कभी नहीं होता है, नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू जीरो, लेकिन साथियों नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होता, इसको जरूर याद रखिए। कई बार पेपर में आया, एक बार और मैंने शायद लिखा है कि नहीं, एक और याद रखिएगा साथियों कि रैंक वन जो मैट्रिक्स होता है, लिखा है कि नहीं मैंने पता नहीं कहाँ लिखा है। साथियों आइडियम पोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जीरो और वन होता है, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का देखिए प्लस माइनस वन होता है, रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल है ना डायगोनलाइजेबल ओवर आर। अच्छा इसमें एक चीज मैंने प्रॉपर्टीज लगाया है, रियल एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है साथियों डायगोनलाइजेबल ओवर आर होगा इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू जीरो, ये साथियों जो मैं बता रहा था पहला वाला कंडीशन ये वाला, ठीक है। तो उस पर सावधानी के साथ चलना है। नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स नी नॉट टू बी डायगोनलाइजेबल, ये याद रखिएगा कि रैंक ऑफ चाहे सिमेट्रिक हो एसक्यू सिमेट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, हर्मिशन एसक्यू हर्मिशन, ये सब किसके इक्वल होगा, रैंक सबका नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ये तो बच्चा वाली बात है ना। रैंक मतलब क्या होता है, रैंक किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ही देता है ना। और साथ ही रैंक ऑफ यूनिटी और यूनिटी हो या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उसका रैंक एन होता है, ठीक है। क्यों होता है, तो बेसिक बातें हैं, इसमें सबका सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ये सब तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा साथियों। और भी कुछ है रिजल्ट्स, ये देखिए ये कुछ मैंने साथियों रिजल्ट्स लिखा है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसका जो रैंक होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। क्या होता है, रैंक ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज इवन। देखिए साथियों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा ही डायगोनलाइजेबल है, तो एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का कितना भी पावर करेंगे सभी का रैंक सिमिलर होगा, तो ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। ये बहुत आगे भी है ब्लॉक मैट्रिक्स का साथियों प्रॉपर्टीज, तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो अराउंड रखिए कि इसका साथियों की 20 रिजल्ट इसका और 20-25 रिजल्ट इसका, तो 30-35 मैंने करवाया है, और मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा साथियों क्वेश्चन का एक बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्रिक्स, जो पेपर के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। कुछ भी साथियों क्वेरीज हो कि सर इस टॉपिक को बताइए, तो डेफिनेटली पुटअप कीजिएगा। और साथियों आप निराश मत हो, जिन्होंने बोला है कि साथियों IPS बताएं इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके लिए बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा साथियों सेशन ला रहा हूँ, थोड़ा सा मैं रिसर्च करके उस पर बता रहा हूँ कि थोड़ा वैसे चीज लाऊं जो आपको पेपर में
काम दे साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऐसा ही प्यार बना के रहें, रखें, अपने दोस्तों में शेयर करें और जम के मेहनत करें साथियों।